शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च अध्यवर्गस्य विषयः पुनरावृत्ति वर्ग खष्टम कक्षायां क्लास सिक्स के लिए मैं कृष्णानंद झा। आपको इस बार परीक्षा में MCQ बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुकल्पीय का अर्थ हुआ कि एक चार ऑप्शन रहेंगे, एक प्रश्न का चार ऑप्शन रहेंगे जिसमें एक आपको टिक लगाना है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक जो सही उत्तर रहेगा उस पर टिक लगाना है। घर बैठे अपने आप मोबाइल से या कंप्यूटर से माउस पैड पकड़ के खाली अपने सही उत्तर में आप टिक लगाइएगा। तो हम प्रश्न कुछ प्रारंभ करते हैं, इसी के मिला जुला कर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि हर्ष स्वर, अब अ आ ए ऐ, इसमें से हर्ष स्वर कौन है, अ है कि आ है कि ए है कि ऐ है, तो जो रहेगा उसमें उत्तर टिक लगा देंगे। जैसे कि इसमें हर्ष स्वर अ है तो अ में टिक लगा देंगे। कवर्ग, इसमें कवर्ग कौन है, तो क है, तो इसमें टिक लगा देंगे। दीर्घ स्वर, इसमें दीर्घ स्वर कौन है, तो आ है, तो आ में टिक लगा देंगे। उष्म स्वर, इसमें उष्म स्वर कौन है, तालव्य स्व है, तो इसमें टिक लगा देंगे। टवर्ग, इसमें कौन है, टवर्ग कौन है, तो न है, तो इसमें हम लगा देंगे। इस तरह आपका यह पेज नंबर 5 है, अपने बुक में देख लीजिएगा पेज नंबर 5 का बुक। अब देखिए इसका उत्तमम, चार ऑप्शन अगर मान लीजिए इसका रहा तो एक में सही रहेगा, इसमें गलत रहेगा, एक में, लेकिन ये सही एक ही रहेगा। प हलंत जोड़ उ जोड़ और स हलंत जोड़ त हलंत जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ जोड़ म, यह पुस्तकम बनेगा। उसी तरह उत्तमम होगा, व्यंजनम होगा, भ्रमति होगा, पश्यंती होगा, शोभनम होगा। अपने कॉपी में आप बनाएंगे, कहीं भी दिक्कत होगा वीडियो में कमेंट करके पूछेंगे। अब पेज नंबर आप 15 निकाल लीजिए, 15 मतलब 15, 15 निकाल लीजिए। अब 15 निकालने के बाद बहुवचनानि रूपाणि चित्वा लिखा, अब इसमें से तीनों को पढ़िए। चार का ऑप्शन ऐसे रहता है परीक्षा में रहेगा, लेकिन यहाँ पर तीन है आपकी किताब में। आप इसमें से बहुवचन खोजिए, नरा है कि नर है कि नरऊ है, इसमें से बहुवचन कौन है, तो नरा है, तो यहाँ पर नरा लिखाएगा। बाला बालऊ बाला, तो क्या होगा, बाला लिखाएगा। सैनिकऊ सैनिका सैनिका, तो सैनिका हो जाएगा। जनऊ जनह जना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जना हो जाएगा। छात्रा छात्र छात्रऊ, तो यहाँ पर छात्रा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको बानड़ा दे दिया, इसका द्वितीय लिखना है, तो बानड़ हो गया, बानड़ा हो गया। इसका अश्वा हो जाएगा, अश्वऊ अश्वा। सिंघा सिंघऊ सिंघा। गजह गजऊ गजा। काका काकऊ काका। पेज पलटिए, पेज पलटिए, और पेज नंबर आप 16 निकालिए। पेज पलट के पेज नंबर 16 निकालिए। पिका पिकौ पिका। सुका सुकौ सुका। कपोता कपोतौ कपोता। हंसा हंसौ हंसा। उष्ट्रा उष्ट्रौ उष्ट्रा। अब देखिए मृग बहुवचन में लिखना है, तो मृग का बहुवचन क्या होगा, मृगा हो जाएगा। देव का क्या हो जाएगा, देवा हो जाएगा। कपोता का क्या हो जाएगा, कपोता हो जाएगा। हस्त का क्या होगा, हस्ता हो जाएगा। सैनिक का क्या होगा, सैनिका हो जाएगा। मयूरा का क्या हो जाएगा, मयूरा हो जाएगा। धावका का क्या हो जाएगा, धावका हो जाएगा। बाला का बाला, काका का काका। अब चित्रम दृष्ट्वा पक्षिणाम रूप नामानि लिखत, इसका नाम लिखिए। मई सुका है, तोता है, तो सुका लिख दीजिए। दुगो कोयल है, तो कोकिले लिख दीजिए। दुगो कौआ है, तो काकऊ लिख दीजिए। दुगो तोता है, तो सुकऊ लिख दीजिए। और कुछ है, चिड़िया है, तो खगा लिख दीजिए। सिंघा है, तो सिंघा वनवासी ना, सिंह वन में रहते हैं, आम सही बात है। भल्लू का वनवासी ना, आम सही बात है। मृगा वन नगरवासी ना, आम सही बात है। अश्वा नगरवासी ना, हाँ सही बात है। गजा वनवासी ना, हाँ सही बात है। गांव वनवासी ना, नहीं गलत बात है, गांव तो वन में नहीं रहता है, गांव तो नगर में रहता है। कुकरा वनवासी ना, नहीं गलत बात है, तो नगर में रहता है, सह घर में रहता है। बिडाला घर में रहता है, ये गलत बात है, वनवासना नहीं होगा। चित्र का वनवासना, हाँ सही बात है, चीता तो वन में रहता है।
नील गाव वनवासिना। केशम से विशिष्ट अग्न सिंह का क्या गुण है? सिंह का गुण है बलशाली है। अश्वा का क्या गुण है? अश्वन का वो दौड़ता है, धावका है। बिडाला का क्या गुण है? दुग्ध प्रिय या दूध प्रिय है। कुकुरा का क्या है? स्वामी भक्त, स्वामी भक्त है। कपोता क्या है? संगठन युक्त है। अतएव यह आपको यहाँ तक बता दिए हैं, इससे आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। कहीं भी दिक्कत हो वीडियो में कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।